गुड मॉर्निंग स्टूडेंटो, आज ये ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ। पेज नंबर है आपका 149। अब देख लीजिए, आप लोगों के बुक में एक्सरसाइज तो है नहीं, चैप्टर है दिया हुआ, ये वर्ड प्रॉब्लम ऑन सबसेक्शन ऑफ मनी है, हमने लिख दिया ऊपर में। ये मैं आपको पेज नंबर 149 से बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत तरह का मैथ दिए हुए है, एडिशन है, सॉरी सबसेक्शन है वर्ड प्रॉब्लम में, तो कुछ पैसे से लेकर के है, कुछ सामान से लेकर के है, तो आपको इस ढंग से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने बना दिया है, और बाकी मैथ जो इसमें से बचा हुआ है 2, 4, 5, 6 ये आप खुद इसी ढंग से बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, सोनू हैज 20 रुपीज, सोनू के पास 20 रुपीज है। ही वाज ए पेन फॉर 8 रुपीज 50 पैसे, उसने 8 रुपीज 50 पैसे के एक पेन खरीदा। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे, यानी 20 रुपया सोनू लेकर के गया, उसमें से 8 रुपया 50 पैसा का एक पेन खरीदा, तो उसके पास कितने पैसे बचे। तो अब देखना ये है, रुपीज एंड पैसे ऊपर में लिख लेंगे, 20 रुपीज 0 पैसे एंड 8 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि ये 0 का 0 हो गया, ये 1 बोरा लिया, 10 में से 5 गया, 5 पॉइंट हो गया, यहाँ हम 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ हमारा 1 का 1 हो गया, यानी रुपीज 11.50 पैसे। तो हमारा कितना पैसा बच गया, ये रुपीज हो गया 11 और 50 पैसे। तो ये हम वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ हम आंसर लिखेंगे रुपीज 11 रुपीज 50 पैसे इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास अब कितने पैसे बचे, 11 रुपीज 50 पैसे। ओके बच्चों, टेक आउट योर मैथ कॉपी एंड बुक, माय मैथ की कॉपी और बुक निकाल के बैठिए, इसको उतारिए। क्वेश्चन आप बुक से भी मिला सकते हैं, क्वेश्चन हालांकि हमने यहाँ लिख दिया है, पर आप अपने बुक से मिला देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हर बार में हम लोग लिखते हैं, तो आप बुक से मिला लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं। कहा प्रकाश बाइज ए बुक फॉर ₹60, प्रकाश एक बुक खरीदा है 16 रुपीज का, ठीक है। ही गिव्स ए 100 रुपीज नोट, उसके पास 100 रुपीज का नोट था, ठीक है, टू द शॉपकीपर, उसने He gives a 100 rupees note to the shopkeeper. Shopkeeper में दुकानदार, उसने दुकानदार को 100 rupees दिया, 60 rupees का उसने बुक खरीदा और दुकानदार को 100 rupees दिया। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न हिम, जब हम शॉप ज्यादा पैसा दुकानदार को देते हैं तो सामान का दाम काट करके दुकानदार हमको पैसे रिटर्न करता है। तो जब हम 16 रुपये का सामान खरीदे, 16 रुपये का किताब खरीदे और 100 रुपये हम दुकानदार को दिए, तो दुकानदार मुझे कितने पैसे वापस करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 60 को माइनस किए तो हमारा बच गया 84 रुपीज। यानी एक दूसरे को बोरा दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, 10 में से 6 दिया 4, 9 में से 1 गया 8, 84 रुपीज। यहाँ हम लिखेंगे द शॉपकीपर रुपीज 84 रिटर्न है, उसने कितने पैसे रिटर्न किया, 84 रुपीज। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको ये मैथ बता दिया है, आप इसी ढंग से 2, 4, 5, 6 खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।